गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का देश के सबसे बड़े स्टडी प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। यूपीएससी प्रेपरेशन में मैं आपका मेंटर हूं, आपका कोच हूं। रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से जल्द आकर के जुड़े ताकि आज की हमारी जो क्लास है उसको हम स्टार्ट कर सके। दोस्तों, हम इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा की बात जो है वो कर रहे थे, तो इंटरनल सिक्योरिटी की डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, इसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ समय से मेरे साथ में जुड़ते हुए आए हैं तो आप जानते हो जो सब्जेक्ट्स मैं स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ शामिल है करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी आदि। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे कुछ चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। हम इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल अन अकेडमी यूपीएससी हिंदी के साथ में आप लोग जुड़े हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कंप्लीट प्रेपरेशन, दोस्तों एट द एंड यार आप सब लोगों का एम क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एग्जाम की कंप्लीट प्रेपरेशन करना, पूरी की पूरी तैयारी करना, तो दोस्तों पूरी की पूरी तैयारी के लिए आपको जुड़ना है हमारे साथ हमारे प्लस कोर्स में। यहां हम आपको देंगे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहां पर मिलेंगे हमारे प्लस कोर्स में। तो दोस्तों, आपको हमारे प्लस कोर्स में जो है वो एनरोल करना होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का ऐप जो है उसको इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले तो हमको ये अन अकेडमी का ऐप जो है इसको इंस्टॉल करना है। ये अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करके आप हमारी बहुत सारी क्लासेस, जिन्हें हम कहते हैं क्या, वी कॉल देम स्पेशल क्लासेस, तो हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस का आप हिस्सा बन पाएंगे। इन स्पेशल क्लासेस के साथ में आप लोग जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये स्पेशल क्लासेस जो है ये आपके लिए अन अकेडमी के ऐप पर रहने वाली है, एब्सोल्यूटली फ्री रहने वाली है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स की डिस्कशन हम यहां पर करेंगे और आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे, जान पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं कराया तो जल्दी से उसे आपको इंस्टॉल कीजिए, हमारी स्पेशल क्लासेज अटेंड कीजिए और फिर हमारे साथ जुड़िए हमारे प्लस कोर्स में। दोस्तों, हमारे प्लस कोर्स में आपको सिर्फ मेरा ही नहीं, सभी एजुकेटर्स का, अन अकेडमी पर होने वाले सभी क्लासेस जो है वो आपको मिल पाएंगे। दोस्तों, प्लस कोर्स में आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ आपको सभी एजुकेटर्स द्वारा लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, पूरी की पूरी तैयारी इस परीक्षा की करवाई जाती है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली प्रश्न उत्तरी होगी, सभी क्लासेस में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, सब्जेक्ट को समझने के नए और आकर्षक तरीके आपको बताए जाएंगे, पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज होगी और सही मार्गदर्शन होगा आपका, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में जाकर के आप पढ़ पाएंगे, आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे अगर आप हमारे साथ हमारे प्लस कोर्स को एनरोल करते हैं। काव्य पटेल जी, गुड आफ्टरनून। पूजा श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर चाहते हैं अपनी प्रेपरेशन को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना, आपको एनरोल करना है हमारे साथ हमारे प्लस कोर्स में। कैसे एनरोल करना है? आप सभी लोगों के पास भैया स्मार्टफोन्स हैं, बिल्कुल हैं। उस स्मार्टफोन में एक ऐप इस नाम की, जिसको हम कहते हैं कि आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। तो अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपके फोन में प्ले स्टोर होगा, अगर आप आईओएस यूजर हैं तो आपके फोन में ऐप स्टोर होगा। वहां जाकर के आपको अन अकेडमी सर्च करना है, अन अकेडमी को इंस्टॉल कर लेना है। तो अन अकेडमी सर्च करके अन अकेडमी इंस्टॉल करेंगे, आपके साथ सामने इस तरह का ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे, प्लस यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन। तो अन अकेडमी पर प्लस यूपीएससी सीएससी और गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इन तीन स्टेप्स को हमको फॉलो करना है और आपके सामने अन अकेडमी के प्लान जो है वो अपीयर हो जाएंगे। सक्सेस की 100%। गुड आफ्टरनून, कैसे हो दोस्त? तो भैया जी, आप लोग जब हमारे साथ में जुड़ते हैं, कोई भी आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, किसी भी ड्यूरेशन के लिए जुड़ते हैं, आपको इस्तेमाल करना है एक रेफरल कोड SAR10। ये कोड आपको यूज करना है, इस कोड का इस्तेमाल आपको करना है, इस SAR10 कोड का इस्तेमाल करके आप इंस्टेंटली 10% का, 10% डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। तो 10% का डिस्काउंट जो है वो आप ले पाएंगे अगर आप हमारे साथ में हमारे प्लस कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो। ठीक है जी, तो दोस्तों हमारे प्लस कोर्स में आपको एनरोल करना है SAR10 कोड का इस्तेमाल करके। दोस्तों, आप इसी के साथ ऑप्शनल, ऑप्शनल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी प्रेपरेशन का। तो ऑप्शनल आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं 1 मंथ से लेकर के 36 मंथ, सेम तरीके से आप कोई भी कोर्स ऑप्ट करेंगे ऑप्शनल के लिए, आपको सेम रेफरल कोड है SAR10, ये कोड यूज करना है, इससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अन अकेडमी पर कोई भी कोर्स आप एनरोल करते हैं, चाहे वो यूपीएससी का जीएस हो, प्लस का हो, आइकॉनिक हो, ऑप्शनल हो, या किसी भी और एग्जाम का हो, अन अकेडमी पर आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है जो नेशनल या स्टेट लेवल पर इस देश में कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन सभी एग्जाम्स के लिए जो दोस्तों SSC, बैंकिंग, UGC, नेट, नीट, एम्स, सभी एग्जाम्स की प्रेपरेशन हम आपको अन अकेडमी पर करवाते हैं। तो कोई भी कोर्स के साथ आप जुड़ते हैं, आप हमारा
कोड SAR10 जो है ये यूज करेंगे, और ये SAR10 कोड आपको 10% का डिस्काउंट दिलवाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप जानते हैं अब प्रेपरेशन में समय बहुत बहुत कम रह गया है, तो आपको अपनी प्रेपरेशन को बेस्ट बनाना था इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके। आपको यहां पर डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ करके आप पढ़ पाएंगे, अपनी तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स, देश के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे सभी सब्जेक्ट्स, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमी हो, ऑप्शनल हो, ज्योग्राफी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, आर्ट एंड कल्चर, एनसीईआरटी, आंसर राइटिंग, हर एक चीज आपके साथ में बहुत ही डेप्थ में, डिटेल में डिस्कस की जाएगी। आप लोगों का काम इतना है, इन सभी कोर्सेज के लिए आपको हमारे साथ एनरोल करना है हमारे कोर्सेज में। तो दोस्तों आप हमारे प्लस कोर्स का हिस्सा बने, आप हमारे आइकॉनिक कोर्स का हिस्सा बने। कोई भी कोर्स के साथ ऑप्ट करने के लिए आप यूज करेंगे SAR10 रेफरल कोड। दोस्तों हमारा कॉम्बैट जो है वो आप जानते हैं, अगला कॉम्बैट हमारा जो है वो 7 फरवरी को होने वाला है। तो नेक्स्ट संडे को हमारा नेक्स्ट कॉम्बैट जो है होने वाला है। इस कॉम्बैट का हिस्सा जरूर बने, इस कॉम्बैट में जरूर पार्ट ले। 60 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में आपको हल करने होंगे, और जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से इसमें परफॉर्म करेंगे, जो रैंक 1, 2 या 3 में आएंगे, उनको मिलेगा 3 मंथ्स का हमारा जनरल स्टडीज का प्लस सब्सक्रिप्शन एज अ प्राइस। तो इनाम के तौर पर आपको हमारा 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। रैंक 4 से लेकर रैंक 150 में अगर आप आते हैं तो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स जो है वो मिलेंगे। तो अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स आप जीत पाएंगे। तो दोस्तों अनअकैडमी के साथ मिलकर के आप अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जो हैं वो भी जीत सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आते हैं हमारे टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी पर, आंतरिक सुरक्षा की बात हम लोग करेंगे। दोस्तों बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी का, क्योंकि यहां पर हमको जानने को मिलता है भैया क्या दिक्कत है हमारे पड़ोसी देशों को। भैया जी आपने देखा है पाकिस्तान के साथ में निरंतर हमारा कोई ना कोई क्लैश चलता रहता है, तो भैया क्या वजह है, दिक्कत क्या है पाकिस्तान के साथ, वो सब चीजें। फिर हम चाइना के बॉर्डर को डिस्कस करेंगे, तो देश की सुरक्षा संबंधित बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें यहां हमको जानने को मिलती है। दोस्तों इसका हमने एक पहला टॉपिक जो है वो कवर कर लिया था, कल भी हमारी क्लास हुई थी लेकिन कल क्लास पूरी हो नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। तो आज दोबारा से हम जो है वो इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों जितने भी लोग मेरी पिछली क्लासेस में जुड़े थे एक बार यहां पर यस लिख दीजिए। दोस्तों हमने सबसे पहला टॉपिक हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स, ये हमारा टॉपिक 1 था, सबसे पहला टॉपिक था हमारा टॉपिक सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। इस टॉपिक में हमने सभी फोर्सेस की बात करी थी। तो दोस्तों इस देश के अंदर बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो मौजूद है, जो इस देश की सुरक्षा को बनाए रखने में हेल्प करती है। वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले थी आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में आती थी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फिर आती थी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसमें आती थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स, 3 फोर्सेस यहां थी। फिर आती थी सीएपीएफ, सीएपीएफ के अंदर हमारी 8 फोर्सेस थी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, एसपीजी और आरपीएफ। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स थी, आईटीबीपी थी, एसएसबी थी, एनएसजी थी, एसपीजी थी और आरपीएफ थी। ये हमारी आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर आती थी। फिर थी कुछ सेंट्रल एजेंसीज। दोस्तों 5 सेंट्रल एजेंसीज थी, कौन कौन सी? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सीबीआई। तो ये 5 सेंट्रल एजेंसीज थी, केंद्र की एजेंसियां थी। उसके साथ में हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करी थी जो खुफिया जानकारी एकत्र करने का काम करती थी। तो खुफिया जानकारी में सबसे पहले थी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, फिर थी रॉ, फिर NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डिफेंस इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस एजेंसी उसके बाद थी। तो दोस्तों 28 राज्यों की पुलिस, 18 स्टेट्स की और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की, 8 UTs की पुलिस जो है वो हमने देखा था, उनके बारे में बात करी थी। दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक, इसके बारे में हमने बात करी थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमको पता रहना चाहिए भैया कि देश के अंदर अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेज है, नाम हमको पता है लेकिन काम क्या था, किस काम के लिए कौन सी फोर्स जो है वो ऑथोराइज थी, ये हमको देखना था। तो आई होप ये पहला टॉपिक जो है ये आपको क्लियर होगा होगा। चेतन कुमार शर्मा जी गुड आफ्टरनून, कैसे हो? दोस्तों एक एक करके हमने इन सभी फोर्सेस को देखा था। आई होप यहां पर आपको कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने दूसरे टॉपिक की बात जो है वो कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? दूसरा टॉपिक था हमारा क्या? इंडियाज बॉर्डर मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इंडियाज बॉर्डर मैनेजमेंट में एक निमोनिक मैंने आपको बताया था, जल्दी से बता दो किन देशों के साथ में हमारी बॉर्डर जो है वो टच करता था, और उसको याद रखने का जो मैंने तरीका बताया था वो क्या था? हाउ डू वी रिमेंबर कि इंडिया के बॉर्डर्स, कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया का बॉर्डर जो है वो टच करता है, हम कितने देशों के साथ में अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं, और उनको याद रखने का, एक सीरियल ऑर्डर में याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था, जल्दी से बता दो, लिख दो यहां फटाफट। बिल्कुल चेतन कुमार शर्मा जी, सात कंट्रीज थी, कौन कौन सी थी उनको याद रखने के लिए एक तरीका मैंने आपको बताया था। कावे पटेल जी, गुड आफ्टरनून। दोस्तों बता दो यार, एक नाम किसी बेचारे को बचपन में MBA करवा दी गई, BCPN MBA, बचपन MBA क्या था? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बिल्कुल काव्य पटेल जी, BCPN MBA। तो इससे हमको ये पूरा के पूरे कंट्रीज के जो है उनको याद रखना है। जी चेतन कुमार शर्मा जी, हम लोग बात कर रहे थे इंडो पाक बॉर्डर की, भारत और पाकिस्तान की सीमा की। दोस्तों कहां तक चीजें समझ में आ गई थी, कहां तक आप लोग क्लियर हैं इंडिया पाक बॉर्डर के साथ जो भी हमारी समस्या चल रही है उसमें? पाकिस्तान के साथ निरंतर कोई ना कोई हमारा क्लैश, कोई इशू चलता रहता है, वो क्या था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो पूरा का पूरा इशू जो है वो हम देख रहे थे। दोस्तों जी, थोड़ा सा इंटरनेट शायद बीच में रुक गया था, आई होप आपको मेरी आवाज आ पा रही है, सुन पा रहे हैं मुझे आप? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? दोस्तों इंडिया पाक बॉर्डर की हम बात कर रहे थे। जी चेतन शर्मा जी, आज पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी 3 PM पे एक क्लास और है, ये क्लास होगी, इसके बाद 3 बजे हमारी क्लास होगी, तो आज हम पक्का चाइना के बारे में जो है वो पढ़ लेंगे। इंडो पाक बॉर्डर की हम बात कर रहे थे दोस्तों, भारत पाक की सीमा कहां से शुरू होती है, इंडिया पाकिस्तान की सरहद, ये यहां पर गुजरात के पास से शुरू होकर के यहां से हम मूव करते थे, और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चार राज्य, चार स्टेट्स जो हैं इनको क्रॉस करती हुई जाती थी क्या? ये इंडिया और पाकिस्तान की सरहद, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है जी। दोस्तों इस इंडिया पाक बॉर्डर को हमने 3 हिस्सों में बांटा था, इंटरनेशनल बॉर्डर, LOC और AGPL। कल भी मैंने आपसे इसके बारे में बात करी थी, यहां कहीं पर स्थित है एक इलाका जिसको कहा जाता है संगम पॉइंट। ये संगम पॉइंट जम्मू कश्मीर का एक इलाका, अखनूर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू के थोड़ा सा आगे एक अखनूर का इलाका पड़ता है, वहां पर तक
यहाँ ये गुजरात के यहां से शुरू होकर के जो बॉर्डर हमारा, ये पूरा का पूरा बॉर्डर इस पॉइंट तक जो है ना, इसको कहा जाता है क्या, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, सॉरी, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसको कहते हैं क्या, आईबी, इंटरनेशनल बॉर्डर। भैया इंटरनेशनल बॉर्डर क्या था, वो बॉर्डर जो सेटल्ड है, जहां पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना इंडिया को ना पाकिस्तान को, ठीक है जी। हमको तो भैया कोई भी इशू नहीं था, पाकिस्तान को शुरू से इशू था। तो गुजरात से हम शुरू हुए और ये अखनूर, जम्मू कश्मीर, यहां तक जो बॉर्डर है, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। ये हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके बाद यहां इस संगम पॉइंट से एक और बॉर्डर निकलता है, जिसको कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। ये नियंत्रण रेखा क्या थी दोस्तों, ये देखिए, ये है संगम पॉइंट। यहां से इस लाइन, इस तरह का एक बॉर्डर जो है वो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एरिया, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज एलओसी। दोस्तों नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, मूवी भी देखी होगी एलओसी, कारगिल। लेकिन ये एलओसी क्यों बनी, एलओसी का रोल क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर तो ये दिख रहा है, तो ये बीच में क्यों एक बॉर्डर ड्रॉ हो गया था। तो दोस्तों इसी की हम बात करेंगे, ये बीच में बॉर्डर जो है वो क्यों ड्रॉ हो गया था। यहां तक समझ में आया दोस्तों, आर वी क्लियर टिल हियर, आईबी क्या है और एलओसी क्या है, ये क्लियर हुआ। व्हाट इज आईबी, व्हाट इज एलओसी, स्टूडेंट्स एक बार यस या नो लिख दीजिए, अगर क्लियर हो गया तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए, हम दोबारा से समझेंगे, चुप ना रहा कीजिए। दोस्तों फिर आता था एक बॉर्डर और, जिसको कहा जाता था वास्तविक ग्राउंड स्थिति रेखा, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन क्या है दोस्तों, ये जो एलओसी का बॉर्डर है ना, ये यहां संगम पॉइंट से शुरू होकर के एक पॉइंट जिसका नाम है NJ9842, काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर, आपने सुना होगा, यहां तक सियाचिन ग्लेशियर के NJ9842 तक जो है वो एलओसी जाती है। इस के आगे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ये क्या है, नॉर्थेस्ट मोस्ट पॉइंट, हिंदुस्तान का सबसे उत्तरी इलाका, नॉर्थेस्ट पॉइंट इन इंडिया, इसके आगे इंडिया की वो बॉर्डर नहीं है। तो नॉर्थेस्ट पॉइंट जो इंडिया का है उसको इंदिरा कोल कहा जाता है। याद रखिएगा, जो सदर्न टिप है ना, सबसे सदर्न पॉइंट जो है इंडिया का, उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो नॉर्दर्न पॉइंट को इंदिरा कोल कहा जाता है, याद रखिएगा। सदर्न पॉइंट इसके सब्जेक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं ताकि याद रहे। सदर्न पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन भी जिसको कहा जाता है। तो नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कोल और सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट। तो भैया जी, ये पूरा का पूरा यहां से शुरू हुआ एलओसी, पहले आईबी था, फिर जम्मू कश्मीर के अंदर एलओसी आया, और इसके आगे ये करीब करीब
150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो सियाचिन ग्लेशियर जो है उसको अलग करता है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड, दी मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशंस, बहुत ही सीवियर कोल्ड यहां पर रहता है। पूरा का पूरा साल यहां पर बर्फ जमी रहती है, -20-25 डिग्री तक टेम्परेचर यहां पर चला जाता है। ऐसी जगह ये पूरा का पूरा बॉर्डर जो है वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था AGPL। आई होप आपको AGPL जो है वो याद रहेगा। तो ये तीन बॉर्डर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, हमको क्लियर हुए कि नहीं हुए? इन तीन बॉर्डर्स में किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी, कुछ कहना है, कुछ सुनना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? आई होप ये तीनों बॉर्डर्स आपको IBLOC और AGPL जो है ये क्लियर हो गए। भैया ये कहां पर है, ये हमको मैप पे समझ आ गए थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट क्या है दोस्तों, मैंने आपको कल भी एक छोटा सा स्टोरी के रूप में जो है वो बताया था। कश्मीर सुना है आपने, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्लेस व्हाट वी कॉल एज कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है वो इस कश्मीर इशू के कारण है। अभी कश्मीर इशू क्या है दोस्तों, सबसे पहले कश्मीर इज अ प्लेस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये इलाका है, नायाब खूबसूरती, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जल स्रोत, यहाँ की डल लेक, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इलाका जो है वो ये कश्मीर का है दोस्तों। बड़ी जाहिर सी बात है यार, जो भी चीज इतनी खूबसूरत होती है ना, जो भी इलाका इतना खूबसूरत होता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत चीज जो है वो हमारे पास रहे, है ना, हर एक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है, नॉर्मल टेंडेंसी है। ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो था वो आजादी से पहले एक प्रिंसली स्टेट था दोस्तों। उसका पूरा इतिहास है, क्या कहते हैं उसको, इसका इतिहास क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पहले जम्मू कश्मीर जो है वो मुगल शासकों के अधीन था, मुगल शासकों के बाद वहां पर सिख रूलर्स जो हैं उनका राज था, बाद में सिख रूलर से इसका कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो इसको सेल कर दिया था, इस कश्मीर को, डोगरा डायनेस्टी के रूलर महाराजा, जो महाराजा हरि सिंह की डायनेस्टी थी, सुना है ना आपने महाराजा हरि सिंह का नाम, जो जिनके कार्यकाल में ये पूरा का पूरा स्टेट जो है जम्मू कश्मीर का बना था, उस समय उन्होंने, अंग्रेजी हुकूमत ने जो है वो डोगरा डायनेस्टी को ये जम्मू कश्मीर जो है वो 75 लाख रुपीज में सेल किया था। ये बेसिक सी हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की। अरे नहीं भैया, मैं रोज नहीं घूमता, मेरे यहां से 230 किलोमीटर के करीब है, ठीक है जी। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी, सबसे पहले यहां पर मुगल्स का राज था, मुगल शासक थे यहां पर, मुगल शासकों के बाद यहां आ गए अफगान्स, अफगान्स के बाद यहां रूल हुआ सिख रूलर्स का, सिखों के बाद यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कश्मीर जो है ये डोगरा डायनेस्टी के महाराजा गुलाब सिंह को सेल कर दिया। तो महाराजा गुलाब सिंह जो है उनको ये कश्मीर जो है वो सेल कर दिया गया 75 लाख रुपीज में। ये बेसिक सा इतिहास है जम्मू कश्मीर का। डोगरा डायनेस्टी, महाराजा गुलाब सिंह थे, महाराजा रणबीर सिंह थे, महाराजा हरि सिंह थे, तो डोगरा डायनेस्टी के पास इसका रूल आ गया था। आजादी से जस्ट पहले यहां पर रूल था इसे डोगरा डायनेस्टी का। डोगरा डायनेस्टी का रूल कैसे आया वो मैंने आपको बताया, पहले मुगल शासक थे, मुगल्स के बाद अफगान आए, अफगान्स के बाद सिख रूलर्स आए, सिख रूलर्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 75 लाख रुपीज में डोगरा डायनेस्टी को जम्मू कश्मीर जो है वो सेल कर दिया। जम्मू कश्मीर उस समय इंडिपेंडेंट रियासत, प्रिंसली स्टेट था। कब, जब देश आजाद हुआ 1947 में दोस्तों। जब देश आजाद हुआ आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था, और साथ ही साथ वहां पर प्रिंसली स्टेट्स थी, दो देश बन चुके थे, पूरा का पूरा टेरिटरी जो है वो विभाजित हो चुका था।
देशों में, एक देश बना पाकिस्तान, एक देश बना इंडिया। दोस्तों जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी ना, जितनी भी रियासतें थी, उन प्रिंसली स्टेट्स के आगे तीन ऑप्शंस रखे गए। बोला तुम तीन में से कोई भी एक चूज कर लो। पहला ऑप्शन था स्टे विद इंडिया, बोला इंडिया के साथ रह सकते हो। दूसरा था गो विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ चले जाओ। तीसरा था रिमेन इंडिपेंडेंट। जल्दी से बता दो दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा, महाराजा हरि सिंह जो कि उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने कौन सा रास्ता जो है अपनाया था, उन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज किया था। दोस्तों जल्दी से बता दो, महाराजा हरि सिंह ने कौन सा ऑप्शन चूज किया था, महाराजा हरि सिंह ने क्या ऑप्ट किया था, इतना तो पता होना चाहिए यार। भैया महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट देश बन करके रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर जो था दैट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन कब, 1947 में, 15 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। जम्मू कश्मीर ने बोला कि भैया ना, महाराजा हरि सिंह ने कहा ना जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ रहेगा ना पाकिस्तान में जाएगा, इंडिपेंडेंट रियासत के रूप में जो है वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर रहेगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट राज्य बन चुका था, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट जम्मू कश्मीर के साथ में शामिल था कश्मीर, जो कि बहुत खूबसूरत प्लेस थी। पाकिस्तान वांटेड कश्मीर बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। पाकिस्तान ने कहा कि भैया जी कश्मीर जो है वो हमको मिलना चाहिए, कि उसकी नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था। पाकिस्तान ने सबसे पहली अटेम्प्ट करी कश्मीर को हासिल करने की, कब, इटसेल्फ इन 1947, अगस्त 1947 में कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट बना, कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट बना, और सितंबर 1947 में कश्मीर के ऊपर एक अटैक हो गया जिसको कहा गया ट्राइबल अटैक या काबिली हमला। जैसे ही एक हमला हुआ दोस्तों, कहा गया कि पाकिस्तान के कुछ ट्राइबल लोगों ने इंडिया जम्मू कश्मीर पर जो है हमला कर दिया, लेकिन हम सभी जानते थे कि ये ट्राइबल अटैक जो था इसमें शामिल थी पाक की आर्मी। पाकिस्तान आर्मी जो है वो आदिवासियों के कबीलियों के भेष में अटैक कर चुकी थी जम्मू कश्मीर के ऊपर। दोस्तों जम्मू कश्मीर एक छोटा सा रियासत था विच वॉज अटैक्ड बाय पाकिस्तान, तो जम्मू कश्मीर उस अटैक को जो है सस्टेन नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर जो है वो उस अटैक को, क्योंकि भैया क्या हो रहा था, हो ये रहा था कि जम्मू कश्मीर एक न्यूली फॉर्म स्टेट था, पाकिस्तान जो था वो बड़ा कंट्री था, तो पाकिस्तान ने जब अटैक किया जम्मू कश्मीर के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट आ गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, महाराजा हरि सिंह को सबसे पहला एज ए रूलर, सभी का क्या फर्ज होता है भैया, ये एज ए रूलर राजा का फर्ज होता है कि अपनी प्रजा की, अपने लोगों की रक्षा करना। महाराजा हरि सिंह ने भी वही किया। महाराजा हरि सिंह को लगा कि अकेली जम्मू कश्मीर की फोर्स जो है वो पाकिस्तान का सामना नहीं कर पाएगी। महाराजा हरि सिंह वेंट टू इंडिया, जो कि उस समय एक अलग मुल्क था। इंडिया में उन्होंने बात करी पंडित नेहरू और सरदार पटेल के साथ में, पंडित नेहरू एंड सरदार पटेल के साथ उन्होंने बात करी। बोले कि ऐसे ऐसे है सर, पंडित जी और पटेल साहब, सरदार जी, हमारी स्टेट, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की ओर से एक हमला कर दिया गया है, अब आप हमको उस हमले से बचाइए, क्योंकि हम जो हैं वो उस हमले को सस्टेन नहीं कर पाएंगे।
बदले में जम्मू कश्मीर जो है उसको हम इंडिया के साथ में मिला देंगे, जम्मू कश्मीर जो है उसको इंडिया का पार्ट बना देंगे। ये कब हुआ? ये 1947 की बात है भैया। सरदार पटेल और नेहरू जी मान गए, बोले ठीक है आप जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ में मिला दीजिए, हम जो है हम क्या करेंगे, हम आपकी टेरिटरी, आपकी स्टेट, आपकी जम्मू कश्मीर की रक्षा करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर वॉज एनेक्स्ड विद इंडिया, जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ विलय हो गया 24 अक्टूबर 1948 को, सॉरी 1947 को। भैया जी जैसे ही अक्टूबर महीने में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ किसके साथ, इंडिया के साथ में, महाराजा हरि सिंह ने कुछ कंडीशंस रखी थी। बोले ऐसा नहीं कि भैया तुम जैसे बोलोगे, महाराजा हरि सिंह ने कुछ कंडीशंस जो है वो रखी थी। महाराजा हरि सिंह ने एक कंडीशंस की लिस्ट रखी, बोले कंडीशन ये है, कुछ कंडीशंस मैं रखूंगा, इन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ स्पेशल स्टेटस जो है वो देना होगा। तो महाराजा हरि सिंह ने बोला कि भैया जी हम इंडिया के साथ में जम्मू कश्मीर को मिला लेंगे, लेकिन इन टर्न आपको जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देना होगा। स्पेशल स्टेटस का नाम क्या था दोस्तों? स्पेशल स्टेटस को एक नाम दिया गया, बहुत फेमस नाम, आर्टिकल 370। दोस्तों आर्टिकल 370 की बात होती है, बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा, धारा 370, आर्टिकल 370, धारा 370, आर्टिकल 370। क्या था ये कुछ नहीं था दोस्तों, इट वाज द लिस्ट ऑफ कंडीशंस, वो सभी शर्तें जो महाराजा हरि सिंह ने रखी थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। उस स्पेशल स्टेटस में शामिल था जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर का अपना फ्लैग था, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडिया के रूल्स है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई तभी होते थे अगर जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, उसको जो है वो पास करता था। तो बहुत सारी स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल स्टेटसेस जम्मू कश्मीर को मिले थे, जिसको आर्टिकल 370 कहा गया। कब? अक्टूबर 1947 में, जब जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ में मिल गया, हिंदुस्तान के साथ उसका विलय हो गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? एज प्रॉमिस्ड इंडियन फोर्सेस वेंट टू प्रोटेक्ट जम्मू कश्मीर, इंडियन फोर्सेस जम्मू कश्मीर में गई जहां पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान की फोर्सेस है उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्तों? सबसे पहला 1948 में एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गया, जंग जैसी स्थिति बन गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? एक एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ। उस एग्रीमेंट का क्या नाम था? उस एग्रीमेंट का नाम था कराची एग्रीमेंट। कराची एग्रीमेंट हुआ 1948 में। दोस्तों यहां तक की स्टोरी समझ में आई? फोर्टी में पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट को ऑप्शन दिया गया, इंडिया के साथ जुड़ना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, या इंडिपेंडेंट रहना है। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह बोले नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। उसी के साथ में क्या हुआ, जब उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया, पाकिस्तान चाहता था जम्मू कश्मीर उनके साथ में मिल जाए, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर एक अटैक करवा दिया, जिसको दिखाया गया भैया ट्राइबल हमला है, कबीली हमला है। लेकिन हमला किसने किया था? हमला किया था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने। जैसे ही अटैक हुआ जम्मू कश्मीर के महाराजा महाराजा हरि सिंह को लगा कि नहीं यार, ये जम्मू कश्मीर जो है इस पाकिस्तानी अटैक का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने इंडिया के साथ में बोला कि भैया इंडिया को कि हमारी हेल्प करो, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के इस अटैक से बचाओ, हम बदले में जम्मू कश्मीर जो है उसको इंडिया के साथ में मिला देंगे। तो इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ मिल गया, जिसको कहा गया एनेक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विलय हो गया जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ में। वो एनेक्सेशन जो विलय जो है वो कुछ कंडीशंस के साथ हुआ था, कुछ क्राइटेरियाज थे। महाराजा ने बोला भैया ये प्रिविलेजेस, ये स्पेशल कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो ही हम मिलेंगे। तो इंडिया ने उसको मान लिया, उसको आर्टिकल 370 कहा गया, जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। और साथ ही साथ इंडियन फोर्सेस जो है वो जम्मू कश्मीर में गई पाकिस्तान द्वारा उस अटैक को नाकाम करने के लिए, वॉर हो गया और वहां पर हुआ कराची एग्रीमेंट। किसके बीच में? मिलिट्री
ऑफ इंडिया एंड पाक, भारत और पाक की सेना के बीच में एग्रीमेंट हो गया, कराची एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में उन्होंने क्या बोला, इस एग्रीमेंट में बोला कि भैया जी जो जहां पर है वहां पर ही रुक जाएगा। बोला जो जहां पर है वो वहीं रुक जाएगा, इन द सेंस कि भैया जी पाकिस्तान की आर्मी जहां थी वहीं रुक जाए और इंडिया की आर्मी जहां थी वहीं रुक जाए, और साथ ही साथ बोला कि जहां पर आप हो वहां पर एक लाइन ड्रॉ की जाए। इसको बोला गया क्या, सीज फायर लाइन। कराची एग्रीमेंट ने बोला कि जो जहां है वहीं रुक जाए, जहां पर आप हो वहां पे एक लाइन ड्रॉ की जाए, इसको नाम दिया जाए सीज फायर लाइन। इस लाइन पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान को कराची एग्रीमेंट में बोला कि पाकिस्तान वापस अपनी टेरिटरी में चले जाओ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस पॉइंट को। कराची एग्रीमेंट ने क्या बोला, बोला जो पाकिस्तान की फोर्स इंडिया की फोर्स जहां हो वहीं रुक जाओ, बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। ये लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन का नाम दिया सीज फायर लाइन। बोला यहां पे गोली नहीं चलेगी, और पाकिस्तान को बोला पाकिस्तान तुम इंडिया की टेरिटरी में घुस गए हो, यहां से बाहर निकलो और वापिस चले जाओ। दोस्तों सब कुछ सही था, लेकिन पाकिस्तान ने इस कराची एग्रीमेंट को पूरे तरीके से नहीं माना। पाकिस्तान जो है वो कराची एग्रीमेंट के अधीन आने वाले तीसरे पॉइंट इंडिया से वापस जाने को तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान जो है वो यहां से बाहर नहीं गया। ये इस पॉइंट के आगे का जितना भी एरिया है ना, इसको कहा जाता है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। वो इलाका जिस पर पाक ने कब्जा कर रखा है, इलाका जम्मू कश्मीर का है, लेकिन पाक ने उसके ऊपर गैर कानूनी इलीगल ऑक्यूपेंसी करके रखी है, गैर कानूनी कब्जा किया है। गैर कानूनी क्यों है, क्योंकि भैया कराची एग्रीमेंट कहता था पाकिस्तान को बाहर जाने को, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाहर नहीं गया, पाकिस्तान जो है वो यहीं बसा रहा इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। तो वो इलाका जहां पर पाकिस्तान जो है वो इलीगली आज भी अपने कंट्रोल करके रखा है, उसको बोला जाता है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। आर वी क्लियर टिल नाउ, यहां तक हमको स्टोरी समझ में आई? तो यार दोस्तों पढ़ाई पे ध्यान दे दो, क्या कर रहे हो ये कमेंट सेक्शन में भैया, क्या मजाक हो रहा है, मजाक बना के रखा है यार तुम लोगों ने, तरीका है कोई ये? तो व्हाट हैपेंड, एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस वहीं रुक जाओ, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाए जिसको सीज फायर लाइन कहा गया, और पाकिस्तान को कहा गया पाकिस्तान तुम इंडिया की टेरिटरी में चले गए हो, वापिस अपनी टेरिटरी में आ जाओ। भैया इंडियन आर्मी भी रुक गई, बीच में सीज फायर लाइन भी बन गई, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी टेरिटरी में वापिस नहीं किया। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो वाला कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा है। दोस्तों पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है, समझ में आया?
दोस्तों ये पीओके की स्टोरी समझ में आई? अगर हमको ये समझ में आ गया कि पीओके कैसे बना था, दोस्तों क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थोड़ा सा इंटरनेट बीच में रुक जाता है यार। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों क्या हुआ, पीओके एक फॉर्म हो गया, ऐसा एरिया जहां पर पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा किया हुआ था, सीज फायर लाइन एक बन गई। ये सारी स्टोरी कहां से शुरू हुई थी दोस्तों? ये सारा मसला शुरू हुआ था कश्मीर के ऊपर, ठीक है जी। कश्मीर को लेकर के तो पाकिस्तान ने अपना पहला अटेम्प्ट कब किया, 1947 में पहला अटैक किया। किसके लिए? टू टेक अवे कश्मीर। दोस्तों आवाज तो कट नहीं कट रही है, आवाज तो क्लियर है, शायद आपके एंड पर दोस्त कोई इशू है। तो सबसे पहले अटेम्प्ट 1947 में सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया कश्मीर को लेने का, जिसका हल क्या निकला? कराची एग्रीमेंट निकला। कराची एग्रीमेंट जो है वो हुआ, हमने पाकिस्तान को बोला, कराची एग्रीमेंट में कहा गया पाकिस्तान वापस अपनी टेरिटरी में जाएगा, लेकिन पाकिस्तान गया नहीं। उसके बाद पाकिस्तान का इंटेंशन तो वही था कि भैया जी कश्मीर को लेना है, कश्मीर को लेना है। कश्मीर को लेने के लिए क्या किया? नाइनटीन में दूसरी कोशिश पाकिस्तान ने करी। तो दूसरी कोशिश में क्या किया पाकिस्तान ने? दोस्तों पाकिस्तान ने ना 1965 वॉर में क्या हुआ था, 1965 की जंग में क्या हुआ, यहां पर ये है J&K, जम्मू कश्मीर, यहां पर है गुजरात, यहां कहीं पर स्थित है एक जगह जिसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात का कच्छ इलाका। क्या हुआ दोस्तों, इस बार पाकिस्तान का क्या प्लान था? इस बार पाकिस्तान का प्लान ये था कि भैया जी हम ना जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को वेपन्स देंगे और उनको कहेंगे इंडिया के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। लेकिन यहां पर तो फोर्सेस थी, तो उनको लगा कुछ ऐसा करते हैं कि जम्मू कश्मीर से फोर्सेस जो हैं वो खींच करके हम कहीं और ले जाएं, या जम्मू कश्मीर के अंदर जो फोर्सेस थी उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को हथियार देंगे, लेकिन हथियार देने के लिए वहां पर सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी वीक होनी चाहिए थी भैया, इतनी फोर्स होगी तो सिक्योरिटी होगी तो थोड़ी वेपन ला पाओगे। उनको लगा कुछ ऐसा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान हट जाए और हम जम्मू कश्मीर के लोगों को हथियार दें, उनको बोले कि चलो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करो, जैसे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो रिवॉल्ट करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर को अलग कर देंगे। ये प्लान था पाकिस्तान का 1965। दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया, इन्होंने गुजरात के कच्छ इलाके में एक अटैक किया, एक बॉर्डर पर अटैक किया पाकिस्तान की आर्मी ने। जस्ट उनको लगा कि जैसे ही हम ये अटैक करेंगे, एक जो फोकस होता है ना भैया जी, जम्मू कश्मीर के अभी तक फोकस था, लेकिन उनको लगा कि हम कच्छ पे अटैक करेंगे, सारा का सारा अटेंशन जो है वो कच्छ की ओर चला जाएगा और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी जो है वो वीक हो जाएगी। ये अभी तक का प्लान था, बोले कि जम्मू कश्मीर से ध्यान हटाना था फोर्सेस का, गुजरात पर अटैक करो, सिक्योरिटी का ध्यान जो है वो गुजरात पे चला जाएगा, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी वीक हो जाएगी, लोगों को इंस्टिगेट करो, लोगों को वेपन्स प्रोवाइड करो, लोग जो है वो स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। लेकिन भैया जी क्या हुआ,
ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ भैया जी कि जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, और पाकिस्तान का ये प्लान जो है वो खुद सिक्योरिटी फोर्सेस को बता दिया गया जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा। तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी आर्मी को बता दिया, भैया पाकिस्तान ऐसा ऐसा प्लान कर रहा है, हमको बोला जा रहा है कि हम आपको वेपन्स देंगे, आप पाकिस्तान को की हेल्प लेकर के जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट रिवॉल्ट करो। तो जेएनके के लोगों ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली ये बात सिक्योरिटी फोर्सेस को बता दी। तो भैया जी जैसे ही उन्होंने यहां अटैक किया, यहां पर तो फोर्सेस गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो फोर्सेस थी ना उन्होंने बहुत स्ट्रांग अपना होल्ड कर लिया, और यहां पर जैसे ही उन्होंने अटैक किया गुजरात की कोस्ट पर, हमने दोनों तरफ से अटैक जो है वो पाकिस्तान पर कर दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक किया हमने 1965 में, 1965 में दोस्तों, जब हमने दोनों एंड से अटैक किया गुजरात से भी और जम्मू कश्मीर से भी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान में लाहौर तक पहुंच गई थी, हम लाहौर तक चले गए। आप समझ सकते हैं दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान का सेंटर कहा जाता है। तो इतना स्ट्रांग ये अटैक था कि एकदम से हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गए थे। वी रीच्ड अप टू लाहौर। ये कब हुआ था? 1965 में, 1965 में। हेलो मेनका राज जी, दोस्तों यहां तक क्लियर हुआ हमको? जल्दी से बता दो, आर वी क्लियर टिल नाउ? 1965 में क्या हुआ था? 1965 की वॉर क्यों हुई थी? 1965 की वॉर इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान ने गुजरात में अटैक कर दिया था। गुजरात में अटैक किया, इंटेंशन क्या था? जम्मू कश्मीर से सिक्योरिटी फोर्सेस के ध्यान को हटाना है, सिक्योरिटी फोर्सेस गुजरात की तरफ भागेंगी, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इंडिया में रिवॉल्ट कर देंगे। ये पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं ली या पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, उन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान सिक्योरिटी फोर्सेज को बता दिया। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज इस चीज के लिए रेडी थी, जैसे ही उन्होंने गुजरात में अटैक किया, इन टर्न इंडियन फोर्सेस ने दोनों ओर से गुजरात और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान पर अटैक किया, और हमारी फोर्सेस जो है वो अटैक करते करते लाहौर तक पहुंच गई। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी कभी वॉर होती है उसके इमीजिएटली बाद क्या होता है? एग्रीमेंट, समझौता। एग्जाम्पल, स्कूल में दो लड़कों की लड़ाई होती है, क्या होता है? टीचर आते हैं छुड़ाने के लिए, बोला बेटा लड़ो मत, छोड़ो 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 एक दूसरे को, चलो हैंडशेक करो, चलो हाथ मिलाओ, चलो गले मिलो। वो क्या था? समझौता करवा रहे थे, एग्रीमेंट करवा रहे थे। दो देशों में जब भी युद्ध होता है उसके बाद एग्रीमेंट होता है। 1965 की वॉर हो चुकी थी, अब बारी आई एग्रीमेंट की। दोस्तों अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया है मुझे बताओ, 1965 में इंडिया के पीएम कौन थे? इंडियाज पीएम, हु वाज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इन 1965? काफे पटेल जी, देखो इस तुम्हारे सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, बिकॉज जब मैं ये चीजें बता रहा था यू वर टू बिजी इन डिस्कसिंग सर्टन अदर थिंग्स। दोस्तों इंडिया के पीएम उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 की जब वॉर हुई, हमारे प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, क्योंकि थोड़े ही समय पहले पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने थे शास्त्री जी। तो एग्रीमेंट जो हुआ, एग्रीमेंट करने के लिए शास्त्री जी को बुलाया गया, कहां? यूएसएसआर। बिल्कुल कविता कुमारी जी, शास्त्री जी, सही बात है। पाक के प्रधान राष्ट्रपति, पाक प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान, और पाक प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान और इंडिया से हमारे पीएम शास्त्री जी जो हैं वो गए थे एक समझौता करने, एक एग्रीमेंट करने।
एग्रीमेंट क्या हुआ? एग्रीमेंट में कहा गया कि भैया इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो लाहौर तक गई थी, उनको वापस इंडिया बुला लिया जाए। तो एक एग्रीमेंट हो गया। हमने बोला कि भैया समझौता तो ऐसा ही होता है ना, तो इंडिया के साथ में एग्रीमेंट हुआ कि जितनी भी इंडियन फोर्सेस जो पाकिस्तान के अंदर एंटर कर गई थी, उन फोर्सेस को वापस लाया जाए। बिल्कुल मेनका राज जी, सविता कुमारी जी, कुसुम लता जी, दोस्तों इसको कहा गया क्या? ताशकंद एग्रीमेंट। यूएसएसआर के अंदर हुआ ये एग्रीमेंट, किस नाम से कहलाया, ये जाना गया ताशकंद एग्रीमेंट से। दोस्तों इस ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में कुछ जानते हैं आप? एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज हुई थी इस ताशकंद एग्रीमेंट के समय। दोस्तों क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बीच बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो जाता है। प्लीज बता दीजिए, आई ऑडिबल टू यू गाइस? तो ताशकंद समझौता हुआ और ताशकंद समझौते के इमीजिएटली बाद शास्त्री जी का निधन हो गया। ये कब हुआ था? 1965 में। भारत पाक युद्ध 1965, 1965 इंडो पाक वॉर हुई और ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। यहां तक हमको चीजें क्लियर हुई थी? यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नाइनटीन सिक्सटी फाइव वॉर तक हमको सब सब समझ में आ गया था या नहीं? मेनका जी, कुसुम जी, कविता जी, माफ कीजिए दोस्तों, बार बार मेरा इंटरनेट जो है रुक रहा है, जिस कारण से क्लास बीच में पॉज हो रही है। क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू यू गाइस? तो दोस्तों 1965 वॉर हो चुका था, ताशकंद समझौता हो चुका था और शास्त्री जी का निधन इसके दौरान हो गया। पूरी की पूरी स्टोरी फिर वहीं आती है। कहानी कहां से शुरू होती थी? कहानी शुरू होती थी पाकिस्तान का इंटेंशन कश्मीर को ग्रैब करने का। तो सबसे पहले 1948 में किया, नहीं हो पाया। 1965 में किया, नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट कब हुआ दोस्तों? क्या हुआ? तो भैया जी अल्टीमेटली पाकिस्तान का इंटेंशन क्या था? कश्मीर को लेना है। जो दोस्तों एक बात आपको इतिहास में जाकर के याद करवानी है, जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, जब पूरा का पूरा अखंड भारत जो था उसको तीन देशों में बांट दिया, तीन क्या, दो देशों में बांटा गया था। एक था पाकिस्तान, आज वाला पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ये छोटा सा इलाका, इसको नाम दिया गया क्या? पाकिस्तान को एक हिस्सा जो है वो एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड में दे दिया गया इंडिया के, जिसको नाम दिया गया ईस्ट पाकिस्तान, आज जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तान था, एक इलाका पाकिस्तान को आजादी के समय और दे दिया गया, इसको कहा गया ईस्ट पाकिस्तान। दोस्तों यहां पर ईस्ट पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी ना, उस पर बहुत ज्यादा ज्यादा अत्याचार जो है वो चल रहे थे इन द ईयर्स ऑफ 1970s एंड 71।
धीरज कुमार जी गुड आफ्टरनून। तो भैया जी ईस्ट पाकिस्तान क्या था? ईस्ट पाकिस्तान वो इलाका था जो पाकिस्तान का हिस्सा था लेकिन इंडिया के दूसरी तरफ था। यहां पर बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज पर अत्याचार जो है वो हो रहे थे, जिसकी जिन अत्याचारों के कारण हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बता सकता है 1970s में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हु वॉज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इन 1970s? जल्दी से बता दो। क्या आप जानते हैं कौन था? दोस्तों हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 1970 के दशक में थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट थी बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज दैट वर बीइंग कैरिड आउट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश उस समय था नहीं, दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल कविता कुमारी जी, बिल्कुल कविता कुमारी जी, सही जवाब आपने दिया है। इंदिरा गांधी जो है वो उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी। जी कावे पटेल जी, इंदिरा गांधी उस समय। तो दोस्तों क्या हुआ 1971 में, 1971 में ऑलरेडी एट्रोसिटीज ईस्ट पाकिस्तान की जो चल रही थी, जिस कारण से इंदिरा गांधी जो है वो परेशान थी। ऐसे में क्या हुआ, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के एयरबेसिस पर हमला किया गया। तो इंडिया के एक दो एयरबेसिस को अटैक किया गया पाकिस्तान द्वारा, जैसलमेर, श्रीनगर, पठानकोट, इंडियन एयरफोर्स के एयर बेसिस है, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया। इसको कहा गया अनप्रोवोक्ड अटैक। भैया कोई भी प्रोवोकेशन, हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं बोला था, सिंपल सी सिचुएशन थी। हमने कोई भी पहल, जिसको नहीं कहते हैं कि पहल हमने नहीं करी थी, कोई प्रवोक हमने पाकिस्तान को नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने बिना किसी रीजन के इंडिया के एयर बेसिस पे हमला शुरू कर दिया। दोस्तों जैसे ही इंडियन एयर बेसिस पर हमला हुआ, उसी के साथ में इंडिया ने स्ट्रॉन्गली रिटेलिएट करना था, भैया हमारे एयर बेसिस पे हमला करते हैं, हम छोड़ते थोड़ी। उसी के साथ शुरू हो गई थी भारत पाकिस्तान के बीच की तीसरी जंग, 1971 वॉर, 1971, 1971, 1971 की वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अब यहां पर क्या हुआ भैया, इस 1971 की वॉर में क्या हुआ, अनप्रोवोक्ड अटैक था। हिंदुस्तान ने कोई भी जो है वो अटैक व कुछ भी नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। दोस्तों एक दिमाग में आता है सवाल कि सर ऐसे मतलब बिना बात के पाकिस्तान ने अटैक क्यों किया? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना भैया, पाकिस्तान ने क्यों हमला किया? बताइएगा दोस्तों, कुछ ऐसा आता है कि सर ऐसा क्यों, मतलब किसी के मन में सवाल आया हो कि सर पाकिस्तान ने बिना बात के अटैक क्यों कर दिया? दोस्तों इस पाकिस्तान अटैक के पीछे एक स्टोरी है। एक मूवी आई थी गाजी अटैक, देखी है आपने किसी ने? द गाजी अटैक। जी काव्या पटेल जी, ने पहले तो चलो कोई ना कोई रीजन था, इस टाइम पे इसके बैकग्राउंड में एक ऐसी स्टोरी थी जो कि आज तक डीक्लासिफाइड है भैया जी, किसी किताब में कहीं पर भी ये दर्ज नहीं है, लेकिन एक कोवर्ट ऑपरेशन ये हुआ था। गाजी अटैक मूवी देखी है किसी ने? दोस्तों गाजी अटैक मूवी में क्या हुआ, यहां कहीं पर है कराची, यहां कहीं कराची है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा पानी था। यहां कहीं है आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश का तट है विशाखापट्टनम।
आंध्र प्रदेश का तट पोर्ट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एक इंडियन नेवल शिप INS विक्रांत। यहां पर इंडिया का एक नेवल शिप INS विक्रांत जो है, नेवल शिप क्या होता है दोस्तों, वो देखे हैं टीवी पे कभी, न्यूज व्यूज में देखा होगा, एक बड़ा सा समुद्री जहाज होता है जिसके ऊपर रनवे बना होता है, तो फाइटर प्लेन्स आकर के उसके ऊपर उतरते हैं, देखा है कभी वो? तो भैया जी INS विक्रांत एक शिप जो है वो विशाखापट्टनम के पोर्ट पर इंडिया का लगा हुआ था। इस शिप को निशाना बनाने के लिए एक सबमरीन, सबमरीन जानते हैं भैया जी, एक ऐसा वेपन्ड व्हीकल है जो पानी के अंदर चलता है, पानी के अंदर मूव करता है। पाकिस्तान की सबमरीन गाजी जो है, ये इस रास्ते से अरेबियन सी, इंडियन ओशियन होते हुए जो है वो विशाखापट्टनम पर इस INS विक्रांत को अटैक करने वाली थी। ये पाकिस्तान का प्लान था। मेहरुनिसा जी हाय, आई एम गुड, आप कैसे हैं? तो भैया जी कराची से एक सबमरीन आई जो विशाखापट्टनम पे के पोर्ट पर तैनात INS विक्रांत को अटैक करने वाली थी, लेकिन रास्ते में इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया एक सबमरीन, इंडिया की सबमरीन, जिसका नाम क्या था? INS कारंज। भारत की सबमरीन INS कारंज जो है वो यहां पर कहीं रास्ते में उसको पता चला, उसने इंटरसेप्ट किया कि पाकिस्तान की ओर से एक सबमरीन INS कारंज ने इंटरसेप्ट करी, जो थी पाकिस्तान की सबमरीन गाजी। INS करंज ने समुद्र की गहराइयों में इस गाजी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। गाजी सबमरीन को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया INS करंज ने, पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान की सबमरीन को पानी के अंदर ही, पानी के अंदर पूरी की पूरी सबमरीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। पाकिस्तान बेचारे के पास एक गिन के सबमरीन थी, जो भी उन्होंने यूएस या किसी दूसरी कंट्री से किराए पे ली होगी। हमने जैसे ही वो डिस्ट्रॉय करी भैया, पाकिस्तान की बौखलाहट तो सामने आनी थी ना, टोटली क्लासिफाइड था, कहीं भी दर्ज नहीं है, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है इसका, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारी कोई सबमरीन इस तरफ गई थी। उन्होंने इतना बोला कि हमारी सबमरीन जो है वो कराची के पास पानी में डूब गई, लेकिन उस सबमरीन गाजी को इंडिया ने, इंडिया की INS कारंज ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैसे ही हमने ये पाकिस्तानी सबमरीन गाजी को डिस्ट्रॉय किया, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ दिसंबर 1971 पाकिस्तान लॉन्च्ड अटैक ऑन इंडियन एयरबेसिस। पाकिस्तान ने भारत के एयरबेसिस पर हमला शुरू कर दिया। दोस्तों बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आई, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, दी 1971 वॉर, व्हाट वी कॉल इट एज अनप्रोवोक्ड अटैक, लेकिन इन दी बैकग्राउंड, बैकड्रॉप में क्या हुआ था? पाकिस्तान की गाजी सबमरीन विच वॉज ऑन इट्स वे टू अटैक INS विराट एट दी पोर्ट ऑफ विशाखापट्टनम वॉज इंटरसेप्टेड, टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय इंडियाज INS करंज। तो भैया पाकिस्तान की एक सबमरीन जा रही थी पानी से विशाखापट्टनम के पोर्ट पर हमारे INS विराट को हमला करने के लिए, हमने रास्ते में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान का जो आउटरेज था भैया, उनकी सबमरीन, एक सबमरीन है बेचारों के पास, वो भी किसी से किराए पे ली हुई थी, अब वो मकान मालिक आ जाएगा, वो सबमरीन का मालिक आ जाएगा, मेरी सबमरीन तूने खराब कर दी, जैसे तुम लोग करते हो ना कभी पीजी वीजी में रहते हो तो वो पीजी या किसी के घर पे किराए पे रहते हो, उसकी दीवार तोड़ दी, फिर मकान मालिक आ जाता है, भाई क्या किया ये, पैसे दो मुझे को। तो पाकिस्तान की गाजी सबमरीन किराए पे ली हुई थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब पाकिस्तान आउटरेज, अब बौखलाहट कैसे निकलेगी? बौखलाहट के रूप में उन्होंने एक पंगा और ले लिया। उन्होंने पंगा क्या लिया? उन्होंने इंडियन एयर बेसिस पर हमला शुरू कर दिया। दोस्तों ये पूरी की पूरी स्टोरी कब चल रही थी? जब 1970s में
इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और वो ईस्ट पाकिस्तान में होने वाली एट्रोसिटीज से परेशान थी कि पाकिस्तान जो है अरे मेहरुनिसा जी धन्यवाद। भाग्यश्री चौधरी जी हेलो, कैसे हो दोस्तों? भैया पाकिस्तान निरंतर जो है वो एट्रोसिटीज अपराध जो है वो करे जा रहा था इन माइनॉरिटीज पर। जैसे ही इंडिया के ऊपर एयर बेसिस पर हमला शुरू किया, इंडिया ने डबल अटैक लॉन्च किया पाकिस्तान पर। भैया जी पाकिस्तान जो आज दिखता है उस पर तो किया ही किया, साथ ही हमने ईस्ट पाकिस्तान पर भी हमला किया। दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान पर हुआ हमला, दोस्तों जैसे ही हमने बांग्लादेश के ऊपर ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हमने पाकिस्तान की फोर्सेस को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। 93,000 सोल्जियर्स सरेंडर्ड। दोस्तों ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस टाइम इन 2021 वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश को बने हुए 75 साल हो चुके हैं। इसी वजह से आज अगर आपने 26 जनवरी रिपब्लिक डे 2021 की परेड देखी होगी तो वहां पर स्पेशल एक बांग्लादेश की आर्मी का मार्च पास जो है वो हुआ था, तो बांग्लादेश से स्पेशल आर्मी आई थी। दोस्तों 93,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड अंडर मेजर जनरल मोहम्मद नियाजी, ए के नियाजी। तो भैया जी 93,000 सोल्जियर्स ने अटैक जो है वो जो पाकिस्तान के ऊपर ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, 93,000 सोल्जियर्स को सरेंडर करवाया, और साथ ही साथ एक नया देश बना जिसका नाम क्या था, ईस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश इंडिया ने बना दिया था जिसका नाम था बांग्लादेश। वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर जो है ये हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल कितनी ज्यादा इंसल्ट, कितनी ज्यादा बेइज्जती पाकिस्तान अपनी करवा रहा था। बट वो पाकिस्तान है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। इंसल्ट तो उसको लगती नहीं है, फील होती नहीं इंसल्ट कभी उसको। भी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, पाकिस्तान का एक कमर्शियल प्लेन ना मलेशिया गया, तो मलेशिया में उन्होंने वो प्लेन रख लिया, बोला जी ये मलेशिया से इन्होंने प्लेन खरीदा था, उसकी किस्तें नहीं देते हैं ये, तो लोन पे प्लेन खरीदा, बाद में उसकी ईएमआई नहीं दी, तो उन्होंने वो प्लेन जो है वो मलेशिया वालों ने रख लिया और पाकिस्तान के पैसेंजर्स को किसी दूसरे प्लेन में भेज दिया। तो मतलब इस तरीके से जलालत जो है पाकिस्तान अपनी करवाता रहता है, उनको मजा आता है। तो मतलब ओवरऑल भैया ठीक ठाक वाली बेइज्जती पाकिस्तान की हो गई थी, लेकिन भैया पाकिस्तान तो भैया पाकिस्तान है, इसको तो फील होता ही नहीं। पाकिस्तान को अगर बेइज्जती फील हो जाती फिर उसको पाकिस्तान क्यों बोलते हैं? ठीक है जी, इन्होंने एक ट्राई, अब तीन ट्राइयां ये कर चुके थे कश्मीर को लेने की। पहली कब करी? पहली ट्राई करी 1948 में, 1965 में और 1971 में। तीन युद्ध ऑलरेडी हो चुके थे। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी कभी वॉर होती है, वॉर के इमीडिएटली बाद क्या होता है, समझौता एग्रीमेंट। 1971 वॉर का भी समझौता हुआ 1972 में, विच वी कॉल एज शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौता। किनके किनके बीच में हुआ था? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ये शिमला समझौता जम्मू हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में हुआ था। यहां पे क्या डिसाइड किया गया, बोला कि 93,000 सोल्जर्स को इंडिया रिलीज करेगा, हमने रिलीज कर दिया।
नया कंट्री बांग्लादेश बनेगा। और साथ ही साथ दोस्तों याद है 1948 में कराची एग्रीमेंट में एक सीज फायर लाइन बनाई थी, हमने बोला था इस लाइन पे कोई गोली नहीं चलाएगा, उस लाइन का नाम बदल के LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो कर दिया गया था। ठीक है जी, तो 93,000 सोल्जर जो है इनको इंडिया ने रिलीज कर दिया, बांग्लादेश बन गया और सीज फायर लाइन हो गया। ये कहां हुआ था? ये सब हुआ था शिमला एग्रीमेंट में। हम हिस्ट्री में 1947 से इतिहास शुरू हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, 1971 तक हम पहुंच गए थे। 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में साथ ही जम्मू कश्मीर पर अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, उसके बाद कराची एग्रीमेंट हुआ, 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ और शिमला एग्रीमेंट हो गया। आर वी क्लियर टिल नाउ? यहां तक 1971 तक हमको चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं आई हैं? आई होप दोस्तों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 1971 के बाद क्या हुआ? अनदर मेजर इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ऑन इंडिया पाक बॉर्डर वॉज वॉट? 1999, 1999 क्या हुआ था? 1999 में कारगिल वॉर, कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में। यहां कहीं जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है, यहां कहीं श्रीनगर से टूवर्ड्स जब आप ले जाते हो, यहां कहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। कारगिल, कारगिल जो है बिल्कुल POK से सटा हुआ इलाका है, ठीक है जी। वहां पर कारगिल के पोजीशंस में, कारगिल जो इंडिया की टेरिटरी है, वहां पर आकर के पाकिस्तान ने अपनी पोस्ट जो है वो क्रिएट कर ली। तो पाकिस्तान ने जब इंडिया के टेरिटरी में अपनी पोस्ट क्रिएट करना शुरू की, एज अ रिजल्ट इंडिया ने रिटेलिएट किया और शुरू हुई कारगिल वॉर। दोस्तों कारगिल वॉर क्या था? ऊंची पहाड़ियों पर इंडियन पोस्ट्स पर आकर के पाकिस्तानी जो है वो बैठ गए थे, इंडियन आर्मी जो थी वो निचले इलाकों में थी। तो जब आप पहाड़ के ऊपर, पाकिस्तानी फोर्सेस जो तैनात थी, इंडिया की फोर्सेस नीचे थी। दोस्तों ऐसा समझिए, एक व्यक्ति छत पर खड़ा है और एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, तो जो छत पर खड़ा है उसको, जमीन वाले व्यक्ति को जो है वो टारगेट करना ज्यादा आसान था, वो छुप करके सीधा अटैक कर सकता था। वेरे जो नीचे है उसको पहले लोकेट करना था कि ऊपर कहां पर है, फिर ऊपर की तरफ जाना था, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा था। तो कारगिल, तो कारगिल की वॉर हुई दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन था क्योंकि इंडियन आर्मी नीचे थी। इस वजह से करीब करीब 530 कैजुअल्टीज इंडियन आर्मी की हुई थी, 530 के करीब सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा असैन्य वीरता का प्रदर्शन किया था इस कारगिल के युद्ध में। नाम आपने सुने होंगे, कैप्टन सौरभ कालिया, मेजर विक्रम बत्रा, हवलदार योगेंद्र सिंह यादव और बहुत सारे नाम थे, सूबेदार बाना सिंह, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा असैन्य वीरता का प्रदर्शन जो है वो दिखाया था कारगिल के वॉर में। अल्टीमेटली क्या हुआ था दोस्तों? कारगिल वॉर के अंदर हमने अपनी आर्टिलरी बोफोर्स गन का इस्तेमाल किया था और कारगिल वॉर में अगेन हमने पाकिस्तान जो है, तो इंडियन आर्टिलरी गन बोफोर्स के साथ में हमने कारगिल वॉर जो है वो हमने जीत ली थी।
उस पाकिस्तान को हमने फिर से कॉन्जिक्यूटिवली चौथी बार पाकिस्तान को हमने हरा दिया था। मतलब कहते हैं ना कि हाइट होती है बेशर्मी की जो पाकिस्तान की है, बैक टू बैक चार कोशिशें की गई। दोस्तों यहां तक क्लियर हुआ हमको? 1947 से कारगिल वॉर तक की हिस्ट्री समझ में आई? यहां तक आई होप हमको क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद अनदर मेजर इवेंट हुआ 2002 में। 2002 में एक और इवेंट हुआ। क्या हुआ था? दोस्तों 2001 में, 2001 में भारत के पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था। 2001 में, 2001 दिसंबर के महीने में भारत के पार्लियामेंट, संसद भवन पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला जो है हुआ था। पाकिस्तान के अंदर मौजूद दो आतंकी संगठन, लश्करे तैयबा और जैशे मोहम्मद, लश्करे तैयबा और जैशे मोहम्मद ने इंडियन पार्लियामेंट में, भैया हिंदुस्तान की सबसे, मतलब हिंदुस्तान के गणतंत्र का सबसे बड़ा स्थान है वो, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन है हमारे हिंदुस्तान का, पार्लियामेंट हाउस। तो पार्लियामेंट हाउस पर पहुंच करके पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्करे तैयबा और जैशे मोहम्मद ने एक अटैक कैरी आउट किया। बहुत ज्यादा आउटरेज इंडिया के अंदर था उस वजह से। और 2002 में, 2002 में इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया। गुड आफ्टरनून नेहा शर्मा जी। इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम जब लॉन्च किया, इस ऑपरेशन पराक्रम के अंदर क्या किया गया दोस्तों? जितनी भी इंडियन फोर्सेस थी ना, उनको डाइवर्ट कर दिया गया टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो टुवर्ड्स पाकिस्तान पूरी की पूरी फोर्सेस हमारी जो है डिप्यूट कर दी गई, और दुनिया को लगने लगा शायद इंडिया जो है वो बहुत बड़ा अटैक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है। ऑपरेशन पराक्रम इसको नाम किया दिया गया। पूरी की पूरी फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स पाकिस्तान बॉर्डर पर कर दी गई, और दुनिया को लगने लगा कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान पर करने वाला है। बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस बीच में आई और एक सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो करवा दिया गया। बोला कि नहीं, आप लोग आपस में लड़ोगे नहीं, आपके बीच में सीज फायर करवा दिया गया। सीज फायर, फायर कौन सा? गोली चलाने वाला फायर। तो गोली चलाने पर रोक लगा दी गई, बॉर्डर पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से। 2003 में, 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो कर दिया गया। तो ऑपरेशन पराक्रम क्या था? 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उसके बदले में, उसके रिटेलिएशन में इंडिया जो है उसने अपनी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान की ओर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया को लगने लगा कि अब एक बहुत बड़ा अटैक इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर करेगा। दुनिया ने इस अटैक को रोकने की कोशिश करी और एक एग्रीमेंट करवाया, सीज फायर एग्रीमेंट, की गोली नहीं चलेगी बॉर्डर पर। लेकिन दोस्तों 2003 से 2021 आ चुका है, शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन इंडिया पाक बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से गोली नहीं चलाई जाती। ये 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट था। उसके बाद बड़ा इवेंट हुआ 2008 में, मुंबई हमला, अटैक्स ऑफ 26/11। हिंदुस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई पर 2008 में एक बहुत ही डेडली टेररिस्ट अटैक जो है पाकिस्तान की ओर से किया गया। अगेन पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्करे तोयबा इसमें शामिल था। लश्करे तोयबा ने 2008 में मुंबई पर हमला करवाया, बहुत बड़ा हमला था। अगेन बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ। उसके बाद निरंतर अलग अलग जगह पर अटैक जो है वो किए जाने लगे। जम्मू कश्मीर का ये जो पूरा हमारा बेल्ट है, मेरा इलाका कठुआ, जम्मू, सांबा, पठानकोट, यहां पर बैक टू बैक 2013 से लेकर के 2016 तक बार बार अटैक जो है वो होते रहे।
ये जो हमारा जम्मू कश्मीर और पंजाब का बेल्ट था जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, जैसे कठुआ, सांबा, जम्मू, पठानकोट, गुरदासपुर, ये पूरा का पूरा ये पूरा के पूरे बेल्ट में बैक टू बैक अटैक्स होना शुरू हो गए। और उसके बाद 2016 में जम्मू कश्मीर के उड़ी इलाके में एक आर्मी कैंप पर पाकिस्तान द्वारा बहुत बड़ा अटैक जो है वो किया गया। अगेन जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान बेस वो टेररिस्ट संगठन जो है, उसने अटैक किया उड़ी पर। उड़ी एक आर्मी कैंप पर हमला किया गया जहां पर बहुत सारी कैजुअलिटीज इंडिया को फेस करनी पड़ी। 2016 में याद होगा आपको सर्जिकल स्ट्राइक्स, उड़ी मूवी देखी है आपने? उड़ी मूवी में जो दिखाया गया है भैया, पाकिस्तान के पीओके इलाके में टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड्स पर इंडिया ने जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इंडियन फोर्सेस वहां जाकर के पाकिस्तान के आर्मी के जो कैंप्स थे जहां पर पाकिस्तान के टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती थी, वहां पर जाकर के अटैक किया और बहुत सारे टेरर लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 2016 में उड़ी अटैक हुआ और उसके बदले में सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया ने किए। दोस्तों उसके बाद एक और बड़ा हमला हुआ, बड़ा बहुत बड़ा हमला, इसको दिल दहला देने वाला हमला कहते हैं। 14 फरवरी 2019, जब पूरी दुनिया शायद वैलेंटाइंस डे मना रही थी, 2019 का वो दिन, पूरा हिंदुस्तान जो है वो उस समय दुख में था, पेन में था, दर्द में था। क्यों दोस्तों? पुलवामा हमला आप सभी को याद होगा, सीआरपीएफ ऑफिसर्स की वो बस, सीआरपीएफ के जवानों की वो बस जिस पर एक आईईडी हमला किया गया था, जिसमें पूरी की पूरी बस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो उसमें शामिल थे, उस बस के अंदर बैठे थे, उनको शहीद कर दिया गया था। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, एक बहुत ही ज्यादा डेडली अटैक जो है इंडिया और इंडियन फोर्सेस के ऊपर किया गया था। पूरा हिंदुस्तान उस समय दुख और शोक की लहर में डूबा हुआ था। बहुत ही ज्यादा गुस्सा पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर था। हर एक व्यक्ति जो है वो बदला चाहता था, वो चाहता था कि पाकिस्तान को इस हमले का सबक मिलना चाहिए। और इस हमले के बदले में इंडिया ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक्स करे थे। बालाकोट के एयर स्ट्राइक सुना है? इंडिया ने एयर हवाई हमला किया था पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर, और वहां पर जाकर के शांति सिंह जी, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों 2019 तक, अब 2020 में कोविड हो गया तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है उस कोविड से जूझ रहा था, 2021 आ गया है, तो अभी तक की पूरी कहानी इंडिया और पाकिस्तान की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 1947 to 2019 के पुलवामा अटैक्स, ये सारी की सारी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल टाइमलाइन हमको क्लियर हुई कि नहीं? कोई भी डाउट यहां पर, किसी प्रकार का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। ठीक है जी। अब दोस्तों एक तो डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक के रूप में या वॉर के रूप में करता रहता है, उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए क्रिएट करता है।
प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम तो है भैया जी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और पाकिस्तान की ISI जो है, वो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद के प्रयोजन के लिए जिम्मेवार है। वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, वो आतंकियों को पैसे देते हैं, आतंकी संगठन को फंडिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनको हथियार देते हैं ताकि वो हिंदुस्तान के विरुद्ध अपने अटैक, अपना युद्ध जो है वो कर सके। तो पाकिस्तान का जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी ISI है, ये सब मिलकर के इंडिया के अंदर कोई ना कोई अटैक जो है करवाने की साजिश जो है वो करते रहते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स, जैसे कि एक मोस्ट रिसेंट जमात उल दावा, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही सक्रिय टेररिस्ट ग्रुप जमात उल दावा, जिसका सरगना हाफिज सईद, पूरी दुनिया उसको टेररिस्ट कहती है। पाकिस्तान बोला नहीं नहीं जी, ये सोशल वर्कर है, हमारे यहां पर सामाजिक काम करता है। तो हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत ही कुख्यात टेररिस्ट ग्रुप जैशे मोहम्मद का लीडर है। पहले पाकिस्तान उसको अपना सोशल वर्कर कहता था, अभी रिसेंटली अक्टूबर नवंबर के महीने में पाकिस्तान ने उठा करके उसको जेल में डाल दिया, बोला नहीं इसके ऊपर कोई टेररिस्ट चार्जेस थे। तो इस तरीके से, इस तरह का जो पाकिस्तान का रोल रहता है अगेंस्ट इंडिया वो रहता है नार्को टेररिज्म, नार्कोटिक्स, ड्रग्स, नशीले पदार्थ। हमने बात करी थी ना पहले टॉपिक में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान जो है वो निरंतर इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए टेररिज्म के साथ साथ ड्रग्स जो है वो इंडिया के अंदर पहुंचाता रहता है। उड़ता पंजाब मूवी देखी है, किस तरीके से खेतों के अंदर वो ड्रग्स के पैकेट गिर रहे थे, कहां से आ रहे थे, वो पाकिस्तान द्वारा फेंके जाते हैं ताकि पाकिस्तान के द्वारा फेंके गए उन पैकेट्स को इंडिया का यूथ जो है वो उठाए, वो उसको कुछ सेल करे, कहीं बेचे, और इंडिया के अंदर इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन जो है वो पैदा हो सके। कुछ समय पहले पाकिस्तान के अंदर जून के महीने में, 2019 जून के महीने में, जो हमारा अमृतसर अटारी, जिसको वाघा बॉर्डर कहते हैं, वाघा बॉर्डर पर करीब करीब 2,700 करोड़ की, 2,700 करोड़ के नशीले पदार्थ हेरोइन जो है वो जब्त हुई थी। यानी कि कितना ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान सिर्फ इसलिए यूज करता है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एक प्रॉब्लम है, नार्को टेररिज्म दूसरी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया में क्रिएट करता रहता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिएट करता है इंडिया के अंदर कश्मीर में। तो कश्मीर के अंदर जितना भी अनरेस्ट है, जितना भी अशांति जो है पाकिस्तान की वजह से है, कश्मीर के अंदर जितना भी अनरेस्ट है उसके लिए पाकिस्तान जो है वो जिम्मेवार है। तो पाकिस्तान निरंतर, हमने 1965 की वॉर में ही देख लिया था, इंडिया इंडिया में जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने का, इंस्टिगेट करने का, हथियार देने का काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत बढ़ गया है। इस रोल को एक नया रूप मिला कब, 2014 में, दोस्तों 2014 में जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर में बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो आए थे, कश्मीर के अंदर बहुत ही भयानक बाढ़ जो है वो सितंबर 2014 में आई थी। 2014 कश्मीर के अंदर बहुत ही भयानक बाढ़ जो है वो आई थी, तो फ्लड्स आए कश्मीर के अंदर बहुत ही भयानक वाले। इस फ्लड्स के कारण बहुत ज्यादा नुकसान कश्मीर के लोकलाइट्स का हुआ, तो उन फ्लड्स वाली सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कश्मीर के अंदर, कश्मीर के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि देखो भैया तुम्हारे यहां पर तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, इतनी बाढ़ आई, इतने फ्लड्स आए, इंडिया ने तुम्हारे लिए क्या किया, इंडिया ने तुमको कुछ भी जो है वो सपोर्ट नहीं किया। तो कश्मीर के यूथ को जो है पाकिस्तान ने भड़काना शुरू कर दिया। उसके अलावा दोस्तों 2016 में एक आतंकवादी बुरहान वानी का एनकाउंटर किया गया था कश्मीर में। बुरहान वानी जो है वो एक एनकाउंटर था, उसका बुरहान वानी जो है वो एक आतंकवादी था, उसका एनकाउंटर किया गया था 2016 में। उस एनकाउंटर के बाद निरंतर अनरेस्ट जो है, प्रोटेस्ट और बंद वगैरह जो है वो पाकिस्तान की ओर से स्पॉन्सर किए गए इंडिया में। कश्मीर के अंदर 2016 से लेकर के 2017-18 का जो साल था वो 1.5-2 साल बहुत ज्यादा अनरेस्ट जो है वो रहा, पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो बंद रहा, प्रोटेस्ट होते रहे बुरहान वानी की एनकाउंटर के बाद।
उसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है। वेयर एज जो हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ था वहां पर डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान और इंडिया जो है, कश्मीर जो है इनका इंटरनल मैटर है, तो दोनों मिलकर के सुलझाएंगे, कोई भी थर्ड पार्टी थर्ड वीन या इंटरवीन नहीं करेगी पाकिस्तान और इंडिया के अलावा कश्मीर मसले को हल करने के लिए। तो हमने शिमला एग्रीमेंट में ये बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान बार बार हर नेशनल प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, यूएनओ में जाएगा, कहीं भी जाएगा, वहां पर कश्मीर 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 करता रहता है, लेकिन हर जगह से इंसल्ट करवा के वापस आ जाता है। तो दोस्तों ये तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम आ गई भैया जी, यहाँ 1947 से शुरू हुई निरंतर प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है। रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है इस पूरी दिक्कत का? दोस्तों वे फॉरवर्ड में है एक ही बात, बहुत बार आपने सुना होगा इंडिया के अंदर कुछ लीडर्स को कहते हुए कि भारत पाक समस्या का हल जो है, कश्मीर मसले का जो हल है, वो बातचीत से निकलेगा, पीस टॉक से निकलेगा। तो भैया जी बातचीत ही जो है वो एक हल के रूप में देखा जाता है कि अगर इस मसले को, इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो भैया जी बातचीत से हल हमको निकालना था। अब बातचीत से हल कैसे निकलेगा वो देखना था। तो बातचीत से हल निकालने का अर्थ था भैया आपस में बात कीजिए, दोनों देश आपस में बात करेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन यहां पर भी दिक्कत थी भैया जी, यहां पर दिक्कत क्या थी, जितनी बार इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत शुरू हुई उतनी बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया। सबसे पहले 1998 में जो है वो बातचीत शुरू हुई थी कश्मीर मसले का हल निकालने के लिए, सोचा कि चलो ऐसा करते हैं। 1998 में बातचीत शुरू हुई, 1998 का वो दौर था जब बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद चलकर दिल्ली लाहौर बस सेवा से लाहौर गए थे, और वहां से एक शांति का, एक दोस्ती का मैसेज जो है वो दिया गया था। तो 1998 में बातचीत शुरू हुई, लेकिन इमीजिएटली बाद 1999 में कारगिल का युद्ध हो गया, तो बातचीत शुरू हुई और एक साल के अंदर ही बंद हो गई। कारगिल वॉर हो गया था, फिर मतलब जब वॉर चल रही हो तो फिर आप प्यार से बात थोड़ी करते हैं, तो फिर मतलब बातचीत वहां बंद हो गई। उसके बाद दोबारा से चीजों को नॉर्मलाइज करने 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 की कोशिश की गई। 2005 में दोबारा से हमने कोशिश करी और पीस डायलॉग, बातचीत का जो दौर था उसको शुरू किया। तो पहले 1998 में शुरू हुआ, 1999 में बंद हो गया, 2005 में दोबारा से शुरू हुआ, 2008 में, 2008 में मुंबई हमला हो गया, बातचीत फिर बंद हो गई। तो पहले एक साल चली, अब 3 साल चली, उसके बाद दोबारा से कोशिश की, प्रयास किए, एफर्ट किया, और 2010 में, 2010 में इंडिया ने दोबारा से बातचीत शुरू करी, जिसको नाम दिया गया रिज्यूम डायलॉग, के बातचीत जो है वो दोबारा से शुरू की जानी चाहिए। तो बातचीत शुरू हुई 1998 में शुरू हुई, 1999 में कारगिल वॉर हो गया, 2005 में शुरू हुई, 2008 में मुंबई हमला हो गया, 2010 में दोबारा से शुरू हुई, लेकिन 2012 में दोबारा से पाकिस्तान की सेना द्वारा जम्मू कश्मीर का एक मेंढर और पुंछ का इलाका है वहां पर हिंदुस्तानी सैनिकों के सर काट दिए गए थे। सुना होगा आपने, मोदी जी अपने इलेक्शन कैंपेन में बहुत बोलते थे कि कहते थे वो कि हिंदुस्तान के सैनिकों के सर जो है वो काट लिए गए। तो मोदी जी ने को आपने ये कहते हुए सुना होगा। तो ये कब की बात है, ये 2012 की बात है। तो 2012 में इंडियन सोल्जियर्स के सर जो है वो काट दिए गए थे पाकिस्तान की आर्मी द्वारा, तो फिर से बातचीत रुक गई। बातचीत अब 2010 में जो है वो रुकी, उसके बाद 2014 में क्या हुआ दोस्तों, 2014 में रिजाइम चेंज हुआ, जिसको कहते हैं कि सियासत बदली जम्मू हिंदुस्तान के अंदर। कैसे बदली, क्योंकि देश के अंदर नई सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत से, फुल मेजोरिटी से, एनडीए की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो है 2014 में बनी थी, और ऐसा लगा था कि कुछ नया अब होने वाला है। और नया क्या हुआ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए मोदी जी ने 2005 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को बुलाया। उस समय प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, तो नवाज शरीफ जो है वो आए इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने, और 2015 में उम्मीद लगाई गई कि भैया अब रिलेशन जो है वो बेहतर हुए हैं, अब सिचुएशन जो है वो इंप्रूव हुई है, तो दोबारा से बातचीत शुरू होगी। तो 2015 में ऐसा उम्मीद लगाया जाने लगा कि भैया जी नहीं,
अब बातचीत दोबारा शुरू होगी, कोई हल निकलेगा। लेकिन 2015 में ही एक इवेंट और हो गया, पाकिस्तान के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर जो है वो जाकर के कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से मिल गए। अब ये कश्मीरी अलगाववादी नेता कौन है दोस्तों? कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं, कि कहते हैं भैया इंडिया के साथ नहीं रहना है, ये है वो है। तो वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट अलगाववादी नेता है जो कि कभी भी इंडिया के साथ नहीं हुए, हमेशा इंडिया के अगेंस्ट, भारत के विरुद्ध बात करते हैं। तो भैया जो भारत के विरुद्ध बात करता है वो मातृभूमि का, इस देश का दुश्मन है। तो जब कोई भी हमारे दुश्मन के साथ में जाकर के मिलेगा तो फिर उसके साथ हमारा कोई भी संबंध जो है वो नहीं रहता। तो इस वजह से 2015 2015 से बातचीत जो है वो कैंसल्ड चल रही है, बातचीत जो है वो बंद चल रही है। तो भैया जी ये है पूरी की पूरी इंडिया पाकिस्तान की स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी भारत और पाकिस्तान की। तो हमको पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो समझ में आई, इंडिया पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम है बॉर्डर पर। तो ये पूरे की पूरी जो हमारी कॉन्टेक्स्ट है इंडिया पाक का, वो पूरा का पूरा इंपैक्ट कहाँ दिखता है? वो दिखता है हमारे बॉर्डर पे। तो जब बॉर्डर पर इस देश के साथ में हमारी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो बॉर्डर पर फिर कहीं ना कहीं अशांति जो है वो बनना लाजमी है, जिस कारण से रेगुलरली प्रॉब्लम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहती है। ये है हमारे सेकेंड टॉपिक का सबसे पहला पार्ट, इंडियाज बॉर्डर मैनेजमेंट में, इंडियाज बॉर्डर विद पाकिस्तान, इंडो पाक बॉर्डर। आई होप हमको इंडो पाक बॉर्डर जो है वो भारत पाक की जो सीमा है वो क्लियर हो गई होगी। किसी को यहां पर किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर डाउट नहीं है तो फिर आप भी, कि हम क्लास को यहीं रोकते हैं, हम दोबारा से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे दोपहर 3 बजे। तो अभी 2 बजने वाले हैं, 3 बजे हम दोबारा से मिलेंगे इस क्लास में और कुछ और बातें जो हैं वो करेंगे दोस्तों। बातें हम करेंगे इंडो चाइना बॉर्डर को, जैसे हमने पाकिस्तान के बॉर्डर को समझा वैसे ही हम इंडिया और चाइना के बॉर्डर को समझेंगे, कि भैया चाइना के साथ में बॉर्डर पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, चलिए दोस्तों अभी की हमारी डिस्कशन को हम यहीं तक रखते हैं, आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। अभी हम दोबारा से मिलेंगे 3 बजे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से 3 बजे आकर के जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हर रोज मेरी क्लास में आइए, इसी तरीके से पढ़िए और अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बेहतरीन बताते जाइए दोस्तों। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, कंप्लीट प्रेपरेशन होगी, अपनी जर्नी को ट्रैक कर पाएंगे, इंटरेक्टिव और एंगेजिंग लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, पीडीएफ में आपको नोट्स देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, प्रॉपर गाइडेंस होगा। कहाँ? सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन से एनरोल करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए ये रेफरल कोड SAR10। ये कोड आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट जो है वो दिलवा देगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और अभी 3 बजे 3 PM पर मेरी क्लास जो होने वाली है, तो उस क्लास का हिस्सा जरूर बनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हम और आप मिलकर के आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम की तैयारी करने में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, जय हिंद।